वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लासेस में मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी स्टार्ट किया था यूनिट, और इसमें पहला टॉपिक हमने मीन स्टार्ट किया हुआ है। और मीन का हमने इंट्रोडक्शन लिया, इसके फॉर्मूले के बारे में समझा हमने, और मीन में टाइप वन में सबसे पहले हमने डिस्क्रीट सीरीज पर चीज़ों को हमने किया है। डिस्क्रीट सीरीज वहाँ पर बनता है जहाँ पर एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन होते हैं, लिमिटेड डेटा होते हैं हमारे पास में। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिमिटेड होते हैं 50-60, तो वहाँ पर हम इंडिविजुअल लेवल पर एक एक करके हम रिकॉर्ड को मेंटेन रख सकते हैं, कर सकते हैं, और वहाँ पर हम उसको एक एक इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। और उसमें हम मेन कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुका है, आप इससे लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास देख लेंगे। ये कुछ लॉजिक समझाया था मैंने शॉर्टकट मेथड का कि फॉर्मूला ऐसा क्यों डिराइव्ड होता है। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं स्टेप डिवीजन मेथड पे। तो ध्यान सब समझिएगा आज की क्लास को, देखिएगा। एक तो होता है बच्चे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट आप डेटा पे काम करेंगे, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डेटा का यहां पर आप सम करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। एक हमारा था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब ये नहीं था कि आप इसमें आंसर को बहुत जल्दी बहुत क्विकली निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपका टाइम लगेगा। शॉर्टकट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप डेटा को शॉर्ट करेंगे, जो डेटा है उसको आप यहाँ पर छोटा करेंगे। तो डेटा में, डेटा को छोटा करने का आपके पास में एक तरीका है कि उसमें से आप डेटा में से कुछ भी आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो डेटा आपका छोटा हो जाएगा। अब सवाल है सर क्या सबट्रैक्ट करें, तो ये आपके ऊपर, आप क्या अज्यूम करना चाह रहे हैं। आप जो डेटा है उसमें से भी कोई भी आप एक डेटा लेकर के सबट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके मिडल वाला लेकर सबट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर उस डेटा से बाहर भी कोई नंबर आपके मन में आ रहा है उसको आप अज्यूम करके उसको आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे डेटा आपका छोटा हो जाएगा, माइनस करने से डेटा छोटा हो जाएगा। अब उस जो डेटा को आपने शॉर्ट करके जहां पे लिखा है उसका नाम मैंने बताया था, डी नाम है, तो आप डी कॉलम पे फोकस कर लीजिए और डी कॉलम का मीन निकालिए। तो समीशन आपने डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करा। आपने मन में सवाल आया था सर जब एक्चुअल डेटा कुछ और है और अपनी मर्जी से कुछ भी माइनस कर रहे हैं सब में से, और आप एक नए डेटा, एक न्यू डेटा पर आप आ रहे हैं, उस न्यू डेटा का आप यहां पर मीन निकाल रहे हैं, तो सर यहां तक तो चीजें आपकी ठीक है, लेकिन मीन तो उस शॉर्ट डेटा का आया ना, जबकि डेटा एक्चुअल में है कुछ और। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर सभी डेटा पे सेम इफेक्ट डालते हैं तो हमारा मीन पे भी वही इफेक्ट डालता है, तो मेरा मीन भी उतना ही शॉर्ट आया है ओरिजिनल डेटा के मीन से, तो वो मैं वापस उसमें ऐड कर दूंगा अपने मीन में, तो मैं अपने ओरिजिनल मीन को अचीव कर लूंगा। ये था शॉर्टकट मेथड। अब आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं स्टेप डिवीजन मेथड के। स्टेप डिवीजन मेथड शॉर्टकट मेथड से कहता है कि शॉर्टकट मेथड आप इतना इतरा रहे हैं कि आपने डाटा को छोटा कर करके काम कर लिया, मैं आपको भी छोटा कर करके, आपसे भी छोटा कर करके मैं मीन निकाल सकता हूं। कैसे, जरा समझिए इस चीज को। अब एक बात और समझिए आप यहीं पर, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास में एक ऑब्जर्वेशन है N1 मान लीजिए 10, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन है N2 20, और एक थर्ड ऑब्जर्वेशन है N3 30। तो हम इसका सम करते हैं, तो सम हम करेंगे तो 50 और 10 60 डिवाइडेड बाय 3। आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में आ गया यहाँ पे 20। क्लियर है बच्चे? तो 20 हमारा मीन आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मीन को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करूँ, चलिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, डेटा चेंज हो जाएगा, 2 आएगा। इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, हर एक डेटा पे सेम इफेक्ट डाल रहा हूँ, तो 4। इसको भी 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर 6। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम, तो 6 4 10 और 2 12, और डिवाइडेड बाय 3, तो मेरा मीन कितना आया, 4। तो आपने क्या सीखा कि आप जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं बिल्कुल सेम इफेक्ट डाल रहे हैं, तो आपके मीन पर भी सेम इफेक्ट डल गया, 5 आपका हो गया छोटा। तो इसी तरीके से आप सिर्फ डेटा को छोटा माइनस करके ही नहीं कर सकते हो, डेटा को डिवाइड करके भी छोटा कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा आपका मीन भी डिवाइड होकर के उतना ही छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड है, तो मार्क्स को बेसिकली, ये मार्क्स है जिसको हम डेटा को ऑलवेज एक्स कॉलम में लिखते हैं, जो कि हमारे पास में 12 है, 8 है, 17 है, 13 है,
फिफ्टीन है, नाइन है, एटीन है, एलेवन है, सिक्स है बच्चे और वन है, ये मेरा डेटा है। सबसे पहला काम क्या है कि डेटा को मैं छोटा कर रहा हूँ, तो चलिए लाइन ड्रॉ कर देते, नहीं सही रहेगा। ये एक्स कॉलम है ना, अब डेटा को छोटा करता हूँ, तो एक डेटा को छोटा करके जिस कॉलम में लिखूंगा उसका नाम रहेगा डी कॉलम। तो डेटा को हम अब यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पर डेटा को शॉर्ट कैसे करोगे आप, एक्स में से कोई भी एक नंबर जो आपके जहन में आए माइनस कर सकते हो। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इनमें से कोई नंबर ले लेते हैं और ज़्यादातर लोग बीच वाला ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं जो चलता आ रहा है। अरे वीडियो इस टाइम इतना ब्लर क्यों होता है, यहाँ पे बच्चे बिल्कुल साफ है। यार ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई में। कोई बात नहीं बच्चे सुन लो, जितना ब्लर है कोई बात नहीं देख लो, मैं आपको जो है ना कंटेंट में जो आपको वीडियो मिलेगी वो ब्लर वाली नहीं मिलेगी, आज आज और मैनेज कर लो। और एक बार है ना आप ये भी करना, मैं भी एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एक बार आप है ना किसी दूसरा फोन है तो उससे एक बार रिकॉर्ड करके मुझे एक बार भेज दो कैसी वीडियो आ रही है, ठीक है। बाकी मैं कंटेंट में ये वीडियो नहीं जाने दूंगा जो ब्लर है, क्लियर वीडियो जाएगी। तो x माइनस ए, ए आप कोई भी एक नंबर अज्यूम कर सकते हैं, आप इससे बाहर भी कोई नंबर ले सकते हैं, इसमें से कोई नंबर ले सकते हैं, चलिए बीच वाला ले लेते हैं यहाँ पर ए 15। तो सब में से आप 15 माइनस करेंगे तो बेसिकली उस कॉलम का नाम हम रखेंगे डी, डेटा को शॉर्ट करेंगे। तो x माइनस में ए, तो 15 माइनस करेंगे तो माइनस 3, माइनस 7, 2, 15 माइनस करेंगे माइनस 2, 15 माइनस करेंगे 0, 15 माइनस करेंगे माइनस 6, 15 माइनस करेंगे 3, 15 माइनस करेंगे माइनस 4, 15 माइनस करेंगे माइनस 9, 15 माइनस करेंगे माइनस 14। ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में डी है। अब ये तो शॉर्टकट मेथड की कहानी हो गई, बट स्टेप डिविजन में क्या कहता है, इससे भी कदम आगे होता है, कहता है कि मैं आपको और छोटा कर दूंगा, तो डी और छोटा होकर डी डैश बन जाएगा। कैसे होगा, ये डी है ना डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा, क्लियर है बच्चे, डी डिवाइडेड बाय सी। अब सी क्या होता है, सी आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, सी आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो भी आपके जहन में आ जाए, कुछ भी ले सकते हैं वो आपके ऊपर है, बट कोशिश करें कि वो नंबर लो जो कि सबको डिवाइड कर पाए, लेकिन ऐसा कोई नंबर है नहीं जो सबको डिवाइड कर पाए, तो कोई बात नहीं फिर दो ले लो सी को, कोशिश रहनी चाहिए सब डिवाइड हो जाए, बट नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं यहाँ पे दो ले लेता हूँ, मैक्सिमम चीज़ें दो से डिवाइड हो रही हैं। तो माइनस 1.5, माइनस 3.5, यहाँ पे करेंगे 1, 1, माइनस 1, 0, माइनस 3, 1.5, 2, माइनस का 4.5, माइनस 7, क्लियर है बच्चे। ये क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में डी डैश आ गया। अब मुझे क्या करना है यहां पर, क्योंकि स्टेप डिविजन मेथड है, तो स्टेप डिविजन मेथड में बेसिकली रोल किसका रहने वाला है, डी डैश का। तो जो मेथड है डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक्स का रोल होता है, तो एक्स कॉलम का सम करा, शॉर्टकट मेथड में डी का रोल रहता है तो डी का सम करा, स्टेप डिविजन मेथड में डी डैश का रोल होता है। डी डैश कैसे बना पता लगा आपको, डी को डिवाइड कर दिया किसी पर्टिकुलर नंबर से, वो नंबर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं दो, कोई भी नंबर आप लेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। अब आप क्या करें, समीशन ऑफ डी डैश निकालेंगे, तो समीशन ऑफ डी डैश ये कितना आएगा आपके पास में, पहले माइनस वाले आप होल्ड कर लीजिए, तो ये 4 और एक 5 और ये 6 और 3 सारे माइनस में, जनरली कोई बात नहीं आपके पास में है, ये 4 और एक 5 और एक 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और
चार, 15.5 प्लस वाले, डेढ़ और एक ढाई, 2.5 इक्वल्स टू माइनस में आएगा आपके पास में 0.5 13, ये माइनस में आपका क्या आ गया, 13 आ गया। अब सॉल्व करेंगे आप, मीन निकालेंगे एक्स बार इक्वल्स टू, तो क्या करा आपने, आप समीशन डी डैश अपॉन में आप एन करेंगे, तो ये तो डी डैश कॉलम का मीन आ गया ना, बट एक्चुअल में जो डेटा था बच्चों के मार्क्स थे वो डी डैश थोड़ी थे, बच्चों के मार्क्स तो एक्स कॉलम वाले हैं, तो हमें तो मीन तो एक्स कॉलम का निकालना है, तो डी डैश का पहले मीन निकाल लीजिए। अब मीन आ गया, आपको पता है ये डी डैश जो है बना किससे था, डी से, और कैसे बना था, डिवाइडेड बाय सी, तो आपका ये मीन जो डी डैश का मीन है वो डी के मीन से डिवाइडेड बाय सी हो गया होगा, तो इसलिए इस मीन को डी के मीन पे लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय सी करना पड़ेगा, डी का मीन आ गया। अब जो डी बेसिकली वो कॉलम बना कैसे था आपका, वो आपका एक्स में से ए माइनस करा था, तो डी कॉलम के मीन को अगर आप एक्स कॉलम के मीन से कंपेयर करेंगे तो वो भी ए सब्ट्रैक्ट हो चुका है, वो भी उतना ही माइनस हो चुका है, तो वापस आप उसमें डी में आप ऐड कर देंगे डी कॉलम के मीन में, तो आपके पास में एक्चुअल एक्स कॉलम का मीन आ जाएगा। तो एक्स आपके पास में इंफॉर्मेशन है, ए आपको पता है कि ए आपके पास में क्या है, 15 है, एन आपके पास में क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और समीशन डी डैश आपके पास में माइनस 13 है, और सी आपके पास में 2 है, तो एक्स बार इक्वल्स टू ए, ए आपके पास में 15 प्लस समीशन डी डैश, तो माइनस 13 अपॉन 10 इंटू सी, सी आपके पास में क्या है, 2। सॉल्व करेंगे आगे आप, एक्स बार इक्वल्स टू 15 माइनस 13/5, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन वही है कि हमारे पास में 9, 18, 11, 6, 1 क्वेश्चन तो वही है, तो 11 ही मीन आएगा, मेथड से मीन चेंज नहीं होगा, गड़बड़ कहाँ करा हमने, माइनस ए 15 माइनस करा, माइनस 3 8 7 15 2 माइनस 2 0 6 3 4 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 14, ये तो मेरे पास में आ गया डी, डी डिवाइडेड बाय सी, सी करा मैंने 2 से, 1.5 3.5 1 माइनस 1 0 माइनस 3 1.5 एंड माइनस 2 एंड 4.5 एंड 7, ये 7 लेने में गड़बड़ करी है मैंने लास्ट में समीशन में, सेवन प्लस 4.5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3.5 प्लस 1.5 22 माइनस 22.5 एंड प्लस डेढ़ ढाई, और ये मेरे पास में है 10। क्लियर है बच्चे, यहाँ पर माइनस 10 2.5 इक्वल्स टू माइनस 10, ये माइनस 10 आया। सॉल्व करेंगे, माइनस 20 सॉरी, माइनस 20 एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी डैश माइनस 20 अपॉन एन इंटू सी, सी हमारे पास में 2 है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, एक्स बार इक्वल्स टू 15 माइनस 4 इक्वल्स टू 11, तो आपका मेथड कोई सा भी हो इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ पर आपके पास में थोड़ा इसको बस प्लस माइनस थोड़ी गलती होगी, नहीं 11 आपका आंसर है। तो आपने क्या सीखा,
एक डायरेक्ट मेथड जो कि सीधा सीधा एक्स पे फोकस होता है और एक्स का समीशन डिवाइड कर दो ऑब्जर्वेशन से। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज की। और एक हमारा होता है शॉर्टकट मेथड, एक्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि डी कॉलम क्रिएट हो जाता है और माइनस करके छोटा करते हैं इस पे, तो डी का सम डिवाइड कर दो डी का मीन आएगा। बट आपको एक्स का मीन चाहिए था ना, जितना डेटा पे इफेक्ट पड़ता है वही मीन पे इफेक्ट पड़ जाता है, तो वापस आप ऐड करोगे तो आप ओरिजिनल मीन तक पहुंच जाओगे। स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड में आपको जो शॉर्टकट मेथड का जो कॉलम था उससे कदम और आगे जाना है, उसको डिवाइड करके और छोटा कर देना है, और छोटा करोगे उसके बाद आप अपने डी डैश कॉलम का सबमिशन उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देना, डी डैश का मीन आएगा। बट आप डी के मीन से कंपेयर करते हैं तो डी कॉलम को आपने सी से डिवाइड करके छोटा करा था, तो आपका मीन भी सी से डिवाइड होकर छोटा हुआ है, तो वापस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डी का मीन आ जाएगा। और डी का मीन को अगर आप अपने एक्स के मीन से कंपेयर करेंगे तो डी कॉलम बना था एक्स कॉलम से ए सबट्रैक्ट होकर के, तो मीन भी ए सबट्रैक्ट होकर के लेस हो गया है आपका, तो वापस ए डालेंगे तो एक्स कॉलम का आपका मीन आ जाएगा। तो इससे आपका फॉर्मूला बना। क्लियर है बच्चे? तो क्या समझ में आया? डायरेक्ट मेथड में यूज किसका है? एक्स कॉलम का। शॉर्टकट मेथड में यूज किसका है? डी कॉलम का। और स्टेप डिवीजन मेथड में यूज किसका है? डी डैश कॉलम का। क्लियर है बच्चे?